ये हैं जी भद्रवाह के राजमा। अभी हम स्टोरी मेरी आप देख चुके हैं एक बार, ये राइस है और ये देसी घी है। अब हम ओम प्रकाश जी से पूछते हैं कि आपकी इसकी रेसिपी क्या है, किस तरह से आप बनाते हैं इस राजमा को। ये राजमा कहाँ के हैं? राजमा भद्रवाह के हैं। भद्रवाह के राजमा हैं। और इधर आओ। हाँ जी इधर आओ। हाँ जी ये बताइए अब कैसे इसको आप बनाते हैं? ये भद्रवाह के लोकल राजमा हैं जी। तो इसको पहले उबालते हैं, उबालने के बाद इसमें तकरीबन एक किलो राजमा में 300 ग्राम तेल डाला जाता है और 200 ग्राम तक कम से कम भी मटीरियल के हिसाब से प्याज डाला जाता है और तेल की वजह से इसमें वो उसमें लहसुन भी डाल। पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पानी यहाँ का चश्मे का पानी, जो यहाँ का चश्मे है इस चश्मे के पानी से ही बनते हैं। और लहसुन कितना? लहसुन थोड़ा ही डालते हैं, ज्यादा नॉर्मल ही डालते हैं। हाँ? और टमाटर भी डालते हैं, प्याज के साथ मसाला बना के इसमें मिक्स करके फिर ज्यादा उबाल जाता है और चूल्हे पे बनते हैं। ये चूल्हे पे बनते हैं, गैस पे नहीं बनते? गैस पे नहीं बनते, इसी जो चूल्हे पे बनने से इसके टेस्ट जो होता है। हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा होता है। और अनारदाना की चटनी कैसे? अनारदाना की चटनी तो मिक्सी में कूट के बनाते हैं और वो लकड़ी का होता है कुंडा, उसमें भी कूट के अच्छी बनती है। इसमें अनारदाना के अलावा और क्या क्या होता है? अनारदाना होता है और धनिया होता है, प्याज होता है, मिक्सी होता है, अदरक भी डालते हैं कूट के। ये बहुत ही टेस्टी है। और देसी घी जो इस्तेमाल करते हैं वो? देसी घी जो भी इस्तेमाल करते हैं, गाँव से लाते हैं, गाँव का गाय के, हाँ गाय का, भैंस का, जो गाँव से मिलता हुई है वो इसका यूज करते हैं जी। मेरे काफी दर्शकों ने पूछा था कि उनसे शर्मा जी से रेसिपी पूछ के आई है कि राजमा कैसे बनाते हैं, पर उसका तो मेन वजह यहाँ का पानी है, उनको यहाँ से पानी भी मंगाना पड़ेगा भद्रवाह के राजमा के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। फूड जर्नी बाय निर्मल, मेरे साथ बने रहिए, इसी प्रकार से आपको अच्छी रेसिपी, अच्छे व्यंजनों के बारे में मैं बताता रहूंगा। धन्यवाद।